राकेश, किस मंदिर में आप मौजूद हैं? क्या तस्वीरें दिखाएंगे? क्या रौनक नजर आ रही है? सिंहेश्वरी देवी मंदिर पे मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकती हैं, ये मंदिर है जो श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। सुबह से ही यहाँ भीड़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ लगी हुई है और श्रद्धालुओं से बात करते हैं, ये पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आइए श्रद्धालुओं से ही बात करते हैं। यहाँ भक्त महाराज जी भी है। महाराज जी, ये मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है आप बताइए? ये सिंहों द्वारा रक्षा करने के कारण इसका नाम सिंहेश्वर जी पड़ा है। यहाँ पूर्वाचार्यों ने 2400 वर्ष पुराना मंदिर है ये, और पूर्वाचार्यों ने यहाँ किया है। माता जी से हम यहाँ पूर्ण प्रकट हुई है और यहाँ एक पीपल का वृक्ष का बड़ा महत्व है, जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता है। यहाँ स्वयं है भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ के रूप में राजकुमार के रूप में निकले थे घर से, तो यहाँ उन्होंने यहाँ के स्वयं जो है विश्राम किया था, पूजा पाठ किया था। और पूर्वाचार्यों में बड़े बड़े यशस्वी मनुष्य संत जो हुए, इन्होंने पूजा पाठ किया, इसलिए ये मंदिर जो है इसलिए श्रद्धालुओं का आकर्षण केंद्र बना रहता है। और भी श्रद्धालु हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, मंदिर में पूजा अर्चना करने आए हैं, किस उद्देश्य से आए हुए? आज नवरात्रि का छठवां दिन, मां का कहने का दिन है और सभी मां से आशीर्वाद मांगने ही आए। मंदिर की महत्ता इतनी पुरानी है कि ये लगभग 2400 वर्ष पुरानी है, जिसकी व्याख्या कुछ पुरातन विभाग के लोगों ने की है। जब यहाँ की ईटों को उठाते गए थे अपने साथ, तो ASI ने खुद बताया कि यह मंदिर लगभग 2400 वर्ष पुराना है। जो बिल्कुल राकेश, हर मंदिर की अपनी अपनी मान्यताएं होती है। जिस मंदिर में आप मौजूद है उसकी भी काफी ज्यादा मान्यता है। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच गोपालगंज से हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, किस मंदिर में आप मौजूद है? क्या तस्वीरें निकल के सामने आ रही है? कितने भक्त जुटे हैं माता के दरबार में? जी निश्चित ही आपको बता दूं, रात्रि के छठे दिन है और छठे दिन माँ कात्यायनी का पूजा अर्चना किया जाता है। जो माँ कात्यायनी का पूजा अर्चना करते हैं उनके जो बृहस्पति है वो तेज होते हैं और शादी का युग बचता है। साथ ही साथ ऐसा भी एक मान्यता है कि जो माँ कात्यायनी का पूजा करने का जो तरीका है उसमें शहद और जो घी है वो माँ कात्यायनी को अति प्रिय है, जिसको लेकर भक्त जो है शहद और घी से बने हुए हलवे चढ़ाते हैं। मैं इस समय गोपालगंज जिला मुख्यालय से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर स्थित कुचायकुट में दुर्गा मंदिर पे हूँ और यहाँ पे कुछ भक्त सुबह से आए हुए पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूजा कुछ पुरुष भी है। कुछ किस मंदिर कैसा लग रहा है छठे दिन है माँ का? बहुत ज्यादा